अवधपुरी प्रभु आवत जानी भाई सकल शोभा कह खानी। हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या राम की पैड़ी पर और इस बार का दीपोत्सव प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ खास होने वाला है और इस बार दीपोत्सव में भव्य राम मंदिर की झलक दिखेगी। इसकी तैयारी जो कर रही हैं हमारे साथ मौजूद है अवध विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट की मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत। थैंक यू सरिता सिंह, मैं ललित कला विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। मैम किस तरह की इस बार राम मंदिर की झलक दिखेगी जो कि यहाँ पर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव होगी? आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये A4 साइज शीट में हमने एक स्केच तैयार कर रखा है भव्य राम मंदिर का, जो हम 6000 स्क्वायर फीट में बनाएंगे, जिसमें विजय रूप में राम जी को चित्रित किया है। और ये चित्रणकार जो है प्रज्वलित दीपों से जो है आप 11 नवंबर को शाइन में देख सकेंगे, जो ज्वलित दीपों के साथ जो है प्रज्वलित होंगे इसमें। और ये बड़ा अद्भुत सा नज़ारा होता है, उस समय आप देखेंगे कि जैसे पूरी एक दीप गंगा सी बह रही होगी और उनमें से ड्रोन या ऊपर से आप बर्ड व्यू से प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हैं तो हमारी जो चित्रकला होगी वो आपको विजुलाइज दिखेगी। आपने रंगों के माध्यम से विभिन्न विधाओं में देखा होगा, पर जलती हुई दीयों से और इतने बड़े समूह के साथ मिलके छात्र छात्राएं अध्यापक गण सभी लोग यहाँ पे कार्य करेंगे। हर वर्ष मैम यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं, इस बार कैसे मन में विचार आया कि इस बार राम मंदिर का कलाकृतियाँ दिखाई जाए? राम मंदिर तो मुझे लगता है बहुतों का बहुत सपना रहा है, हमारे बहुत सारे पूर्वज इसमें समर्पित हो चुके हैं, बहुतों की आस है, सभी चाहते हैं कि जाते जाते हम देखते हुए जाएं। हमारे लिए गौरव का क्षण है, हम वो पल जी रहे हैं जो एक इतिहास को जी चुका है और एक नए इतिहास के आगामी आगाज को देख रहा है। तो राम मंदिर तो विचार मुझे लगता है एक जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता था, राम नाम और राम के ही साथ गमन होता है हमारा भी, तो मंदिर तो भव्य होना ही चाहिए और विजुलाइज करना तो ये सबके हृदय में वास करता है, इसको बस एक माध्यम के थ्रू हम आपके तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दिन में तैयार होगा और कितने बच्चे इसको तैयार करने के लिए? 150 स्टूडेंट्स हैं, ऑल डिपार्टमेंट पूरे विभाग के बच्चे जो है यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सभी का अपना काम और कार्य क्षेत्र बटा हुआ है। यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट में रंगोली भी हम बनाएंगे जो मंच के ठीक सामने चलेगी, और जहाँ भी आप 10 नंबर घाट पे हैं यहाँ पे दीपमाला के थ्रू राम मंदिर का निर्माण करेंगे। 150 बच्चे हमारे पास हैं और सारी फैकल्टीज़ हैं, समन्वयक हैं, और ये जो है कुलपति महोदय डॉक्टर प्रतिभा गोयल जी के सानिध्य में किया जा रहा है। सरिता सिंह ये हमारे साथ थी फाइन आर्ट की मैम सरिता सिंह, इन्होंने बताया कि करीब 150 बच्चे मिलकर घाट नंबर 10 पर राम मंदिर का अलौकिक चित्र यहाँ पर बनाएंगे, जो कि इस बार प्राण प्रतिष्ठा से पहले आखिरी दीपोत्सव रहेगा और यहाँ पर आने वाले राम भक्त और दर्शकों इसका दीदार कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सोगी के साथ भारत 24 अयोध्या।